हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गेहूं व चावल के आटे से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता। ये कितना क्रिस्पी है। वेलकम टू इग्निट वेजिटेरियन रेसिपीज, ट्रेडिशनल रेसिपीज व हेल्थ टिप्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पैन में एक टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाने पर हम इसमें आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे। अगर आपके पास कलौंजी ना हो तो आप इसमें सरसों के दाने डाल लें। लहसुन की कलियों को बारीक काट लेंगे। मैंने यहाँ पर 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें भून लेंगे। अब हम इसमें 7 से 8 कड़ी पत्ते डाल लेंगे। इन सबको हम थोड़ी देर भून लेंगे। लहसुन भुनकर ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल लेंगे, स्वादानुसार या फिर आधा चम्मच नमक डाल लें। 1/4 से 1/3 चम्मच लाल मिर्च डाल लें। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को हाई करके एक उबाल आने देंगे। पानी उबल गया है, अब हम इसे ढक लेंगे और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए उबलने देंगे। 3-4 मिनट में सभी चीज़ों का फ्लेवर पानी में अच्छे से आ जाएगा। पानी को उबलते हुए 4 मिनट हो गए हैं। मैं गैस बंद कर रही हूँ और अब हम पानी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। परात में मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप चावल का आटा ले लिया है। चावल और गेहूं के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटे में थोड़ा सा हरा धनिया काट कर डाल लेंगे। इसे भी आटे में मिक्स कर लेते हैं। तड़का लगाकर हमने जो पानी तैयार किया है उससे हम ये आटा गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा मिक्स करते जाएंगे। आटा गूंथते हुए ध्यान रखें कि ये पानी थोड़ा गर्म ही होना चाहिए। पानी अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं टेबलस्पून की हेल्प से आटा मिक्स कर रही हूँ। सारा आटा मिक्स हो गया है, अब हम इसे हाथों से गूंथ लेंगे। हमें मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथना है, इसे हमें अच्छे से गूंथ लेना है। मैंने यहाँ पर टोटल मिलाकर 2 कप आटा लिया था, 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप चावल का आटा, और इसे गूंथने के लिए 1.5 कप पानी यूज़ हुआ है। अगर आपका पानी ज़्यादा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा आटा और मिला लें, और अगर आटा गूंथते समय पानी कम हो जाए तो सादा पानी गर्म करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम आटे को ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम आटे से नाश्ता बना लेते हैं। सबसे पहले हम चकले बेलने हुए हाथों पर तेल लगा लेंगे। लोई बनाकर इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। हमें इसे इतना मोटा बेल लेना है। मैं ये गिलास कटिंग के लिए यूज़ करूँगी, तो हम इसके साइड्स पे ऑयल लगा लेते हैं। आप इसकी जगह कोई कटोरी भी ले सकते हैं। ये इस तरह से हम गिलास से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे सर्कल्स इसमें से कट करके रख लेंगे। कढ़ाई में तेल को अच्छा गरम कर लेंगे। अब हम इन सर्कल्स को गरम तेल में तल लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे। झारे से गरम तेल को इनके ऊपर भी इस तरह से डालें, जिससे कि ये ऊपर से भी फ्राई होना शुरू हो जाएं। अब हम इन्हें पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इनका कलर अच्छा ब्राउन हो गया है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने प्लेट पर एक जाली रख ली है और उसके ऊपर ये नाश्ता निकाला है। इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे छन जाएगा। इस तरह से हम बाकी बचा हुआ नाश्ता भी फ्राई कर लेंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप उसकी जगह बारीक सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चावल के आटे से बना नाश्ता ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होता है। ये नाश्ता रेडी हो गया है, इसे आप चटनी व सॉस के साथ सर्व करें। ये चाय के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।